वेलकम टू मापस किचन। मैं हूँ आर्यन। आज हम बनाएंगे चिकन बारबेक्यू बिना किसी तंदूर के या फिर ओवन। हमारे चिकन बारबेक्यू को बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारे चिकन को मैरिनेशन के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम 2 से 3 चम्मच सोया सॉस लेंगे। अब ये डार्क सोया सॉस में हम लेंगे करीब 1/2 चम्मच विनेगर, इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद के मुताबिक। अभी ये सब इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर डाल देंगे। अभी इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हमने पूरा मिक्सचर मिला लिया है। हम हमारा बोनलेस चिकन लेंगे और हमने इसे 2 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, इससे इसकी सारी इंप्यूरिटीज जो है वो निकल जाएंगी और हम इसमें उसे ऐड कर लेंगे। अभी ऐड कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हाथ से मिलाने से क्या होगा कि मैरिनेशन जो बनाया था वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। इस मिक्सचर में हम करीब 1/2 नींबू का जूस ऐड करेंगे। अब इसे फिर से एक बार हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमें इसे 15 से 20 मिनट तक मैरिनेशन के लिए ढककर रख देना है। अभी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अभी हम इसे बारबेक्यू करेंगे। अभी हमें चिकन बारबेक्यू बनाने के लिए गैस पर रखने के लिए पापड़ भूनने की जगह लगेगी, जो आपको किसी भी रिटेल शॉप में मिल जाएगी। इसके लिए आपको लो फ्लेम पर गैस ऑन करना है और उसके ऊपर एक जाली रख देनी है। रखने के बाद ये ऐसा दिखेगा और अब हम ये पीस इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इस तरह से एक एक पीस हमें इसके ऊपर रख देना है और इसे अच्छी तरह से हिलाते रहना है। जो पीसेस हमने लिए थे उसे हमें अच्छी तरह से टर्न करते रहना है। 4 से 5 मिनट में ये पीसेस बारबेक्यू हो जाते हैं, इसलिए हम ये होने के बाद इसे निकाल कर बाकी की जो है उसे भी इसी तरह से कर लेंगे। इसे आपको कंटिन्यूसली टर्न करना है, नहीं तो आपके पीसेस जल जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिए, आपको इसे लो फ्लेम पर पकाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कड़क बन जाएंगे। इस तरह से हमारे चिकन बारबेक्यू तैयार हो गए हैं। आप इसे ओनियन और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बच्चों को भी ज़्यादा पसंद आएगी। अभी मैं इसे टेस्ट करता हूँ, बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए।